तो पाकिस्तान के धोखे और आतंक के चरित्र की कई मिसालें हैं। एक इमरान भारत से दोस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ही गृह राज्य मंत्री शहरयार आफरीदी आतंक के हाफिज सईद को बचाने का दम भर रहा है। आतंकी हाफिज के साथ इमरान की कैबिनेट, हाफिज के सम्मान में इमरान का मंत्री मैदान में। 2 मिनट 18 सेकंड के वीडियो ने पाकिस्तान को फिर एक बार आतंक पर बेनकाब कर दिया है। ये पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री शहरयार अफरीदी है, मिल्ली मुस्लिम लीग का नेता भी बैठा हुआ है। अमेरिकी दबाव के चलते हाफिज सईद की पार्टी को चुनाव आयोग की मान्यता न देने और आतंकी संगठन घोषित करने की कोशिश करने की शिकायत की जा रही है, जिस पर पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री कैसे आतंकी हाफिज के लिए जोर शोर से मैदान में डटे हुए हैं। इंशाल्लाह कोई माई कलाल, जब तक हम असेंबली में और तरीके इंसाफ है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़े, जो पाकिस्तान के लिए हक और कलमे हक का साथ देगा हम उसका साथ देंगे, ये हमारा ईमान है। इमरान का मंत्री मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पूरी सुरक्षा देने का ऐलान करते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का मंत्री कह रहा है कि कोई हाफिज सईद को छू भी नहीं सकता। अब क्यों आप दुश्मन है हाफिज सईद साहब, क्यों दुश्मन है मुझे बताए ना। लेकिन मुफ्ती साहब आप जैसे पाओ के खाक के बैल के बराबर भी नहीं है। मुफ्ती साहब मुझे राजी ना, मुफ्ती साहब भी हम सारे बैठे हैं, क्या हम में से कोई ये कह सकता है कि अगले 1 मिनट तक मैं जिंदा रहूंगा? फिर हम क्यों झूठ बोलते, क्यों धोखा देते हैं, क्यों जालिम का साथ देते हैं? भारत ने पाकिस्तान को फिर याद दिला दिया कि हाफिज सईद को माफ नहीं किया जा सकता। हाफिज सईद इज समबडी दैट इंडिया विल नेवर फॉरगिव और फॉरगेट। What awaits him is justice. We will never forget his role as the evil mastermind of what happened in Mumbai. एक तरफ तो इमरान भारत से दोस्ती और आतंक पर रोक लगाने पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और दूसरी तरफ उनका मंत्री बेशर्मी से हाफिज का गुणगान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।